सब्सक्राइब करिए शुक्ला स्टडी पॉइंट को और दबाइए बेल आइकन को। दोस्तों मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम उस प्राचीन सभ्यता के बारे में बात करेंगे जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में विकसित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, लेकिन वास्तव में ये सबसे पुरानी सभ्यता है नहीं। दोस्तों इसको यहाँ सर्वप्रथम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये भारत की प्रथम अज्ञात सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की प्राचीनता के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। इस संबंध में इतना निश्चित है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यताओं से पीछे नहीं थी। हमारे देश की प्राचीन सभ्यता के दर्शन सिंधु नदी की तलहटी में हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की प्राचीन और विकसित नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति सिंधु नदी की घाटी में फैली हुई थी। इसके चिन्ह पंजाब, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से सिद्ध होता है कि यह विश्व की पुरातन यूनान, रोम, मेसोपोटामिया और मिस्र आदि की सभ्यताओं की तुलना में उच्च कोटि की थी। 20वीं शताब्दी के दो दशकों तक संसार को इस बात का ज्ञान था कि भारत में भी हजारों वर्ष पूर्व एक उन्नत सभ्यता विद्यमान थी। इस सभ्यता का अभ्यास सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में पुरातत्ववेत्ता कनिंघम को हुआ था, जिन्होंने पाषाण काल की सामग्री में अनेक मोहरें प्राप्त की थी। उस समय इन मोहरों का गहन अध्ययन नहीं हो पाया था। सन 1920 ईस्वी में श्री राखालदास वनर्जी ने हड़प्पा में कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप की खोज करते करते भारत की प्राचीनतम सभ्यता की खोज कर डाली। यह लगभग सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन पुरानी सभ्यता मानी जाती है। यह लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो के खंडहरों से स्पष्ट होता है कि नगरों का निर्माण एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार किया गया था। इस सभ्यता की सड़कें लगभग 13 फीट से 33.5 फीट तक चौड़ी होती थी। मोहनजोदाड़ो में मिले स्नानागार तथा अन्न भंडार बहुत बड़े बड़े थे तथा आज से 5000 वर्ष पहले की पक्की ईंटों के बने हुए छोटे और बड़े मकान भी मिले हैं। सिंधुवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। जी हाँ दोस्तों, वो एक प्रकार से कह सकते हैं सर्वाहारी, सभी प्रकार के भोजनों को वो ग्रहण करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी आर्थिक दृष्टि से सुखी और समृद्ध थे। इस काल में कृषि, विभिन्न उद्योग धंधे तथा व्यापार विकसित अवस्था में थे। सिंधुवासी सूत काटना, कपड़ा बुनना भी जानते थे। ये मूर्तियों के निर्माण में विशेष रुचि रखते थे तथा चित्रकला में भी बहुत कुशल थे। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्र लिपि थी, जिसमें 400 से 400 के करीब चित्र अक्षर तथा 60 मूल अक्षर प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की खोज के समय से लेकर आज तक 5000 सिंधु मुद्राएं मिल चुकी हैं। सिंधु घाटी का समकालीन सभ्यताओं से घनिष्ठ संबंध था। सिंधुवासियों ने सुमेरिया, क्रीट, मिस्र आदि की समकालीन सभ्यताओं के साथ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध स्थापित कर रखे थे। सिंधु सभ्यता का आधुनिक भारत पर प्रभाव आज भी दिखलाई पड़ता है। सिंधुवासियों का रहन सहन अपनी विशेषता के साथ इतना भारतीय है कि वर्तमान हिंदू धर्म से कठिनता से उसका भेदन किया जा सकता है। सिंधुवासियों के समान आज भी हिंदू लोग पीपल, तुलसी, नाग तथा शिवलिंग की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत क्यों, कब और कैसे हुआ, ये जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखते रहे। इसका कोई ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है। अनेक विद्वानों ने बताया है कि इस सभ्यता के विनाश के कई कारण हो सकते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल, विघटन तथा बाह्य आक्रमण। वास्तव में सिंधु घाटी
वास्तव में सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण जलवायु की बढ़ती हुई विषमता थी, जिससे संघर्ष करते करते सिंधु घाटी का मानव हार गया और एक दैवी सभ्यता इतिहास के पन्नों में विलीन हो गई। और ये जो हड़प्पा वर्तमान में हड़प्पा संस्कृति थी, वो वर्तमान में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के मॉन्टगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है तथा मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के दरकाना जिले में स्थित है। दोस्तों, यदि आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करिए शुक्ला स्टडी पॉइंट को और दबाइए बेल आइकन को। दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम उस प्राइम